आप क्यों कह मेरी? कल रात आपकी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी पापा। सुंदर तो मैं हूँ, चलिए महारानी बनने वाली है। हाँ। वो तो कोर्ट बताएगा माँ जी। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शांति, कहने को तो हमारी अरेंज मैरिज हुई है। भले ही शादी से पहले हमारी ज्यादा बात हुई नहीं है, ना ही हम मिले, पर अब तुम मेरी हो चुकी हो। शांति, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल खुशी से बिताऊंगा। शर्मा गई। अरे, आपने बाल सामने क्यों किए? अच्छा, तो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती? लेकिन मैं तो देखूंगा, आप मेरी दुल्हन है, क्यों ना देखूं? तू मुझे हाथ लगाएगा? शांति, शांति, ये क्या हो गया? शांति, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे छूने की कोशिश की? मैं तुझे भस्म कर दूंगी। चला जा यहाँ से। मत करो शादी, शादी। माँ, 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 दरवाजे खोलो माँ, 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 दरवाजे खोलो माँ। अरे क्या हुआ बेटा? मामा, मामा, पापा, वो शांति। क्या हुआ बेटा? शांति को क्या हुआ है? इतना डरा हुआ क्यों है? मामा पता नहीं अजीब अजीब हरकतें कर रही माँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए ना आप, चुपके माँ, चलो माँ, माँ। ये शांति को क्या हो गया? पता नहीं, बस समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं जाकर देख। नहीं नहीं मामा, 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 मैं देखता हूँ। शांति, शांति, तू मुझे छुएगा? मत मारो मुझे, मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो मेरे बच्चे को। मूर्ख औरत, खड़े खड़े क्या देख रही है? आ क्यों गए मेरी? मामा पूजा करो, पूजा करो उसकी, मैं मार दे रही हूँ तुम्हें। शांत हो जा माता। शांति, क्या हुआ शांति को? शांति, शांति उठो। इसके पापा को फोन करना पड़ेगा, पर जब तक तू ना इसे कमरे में लेके जा। ना 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 मामा, मैं इसके साथ इस कमरे में नहीं रहूंगा। मार डालेगी माँ मुझे। नहीं डर मत, तू मेरे कमरे में आ जाना, बस तू अभी लेके जा इसे और अच्छे से सुला दे। ठीक है। बहन जी, ये सब सुनकर मैं खुद हैरान हूँ। इसके पहले शांति ने ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा। अरे भाई साहब, आप पर यकीन करके ही तो ये शादी की थी, पर बहू के आते ही नया तमाशा शुरू हो गया। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे यकीन करें और किस पे ना करें।
पापा जी आपकी बेटी पे पता नहीं कौन सी देवी सवार हो जाती। वो मुझसे अपनी पूजा करने की बातें कहती और कल तो मैं मरते मरते बचाऊ। आप ही बताइए कि मैं आपकी बेटी के साथ ऐसे कैसे रहूंगा। अरे बेटा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले कभी शांति ऐसा बर्ताव नहीं करती थी। पापा आप बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा, आप बताएं। आप आए और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं बहुत देर तक सोती रही। अरे आशीर्वाद ले रही हूँ माँ जी, क्या हुआ? जी धीरा जी धीरा। तो यूँ बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मुझे क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। अच्छा वो सब छोड़िए, पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है बाजी? बहन जी मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ भी आपको दिखाने के लिए, लेकिन कल रात आपकी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी पापा। बहन जी मुझे लगता है आप लोगों का कोई गलत फहमी हुई है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, ऐसे कैसे गलत फहमी हो गई है? देखिए बहन जी मैं मानता हूँ ज्यादा दहेज मैं नहीं दे पाया, लेकिन मैं कानून भी जानता हूँ। मैंने काफी किस्से और कहानियां सुनी है, लड़की और लड़की के घर वालों को परेशान करके उनसे ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए ऐसी कहानियां बनाई जाती है। देखिए पापा मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप अनाप शनाप कुछ भी कहें, और आप कहना क्या चाहते हैं? सब हम पैसों के लिए कर रहे थे, देख रहे हैं मां कैसी बातें कर रही है। ठीक है भाई साहब आप जाइए, अब जब कोई बात होगी बोलने के लिए तभी आपको बुलाएंगे। ठीक आते। माँ ये सब कैसे? जाने दे बेटा, तू बस बहू का ख्याल रख, हो सकता है हमारी गलतफहमी हो, थोड़ा टाइम देना से शायद सब ठीक हो जाए, बहू ठीक हो। ठीक है आप कहती हैं तो। हाँ टेंशन मत लो। ये बहू तो किसी काम की नहीं है, सारा काम मुझे अकेला करना पड़ता है। अरे कमरे से आवाज कैसी आ रही है? धुआं कहां से आ रहा है? बहू बहू तुम ऐसे क्यों बैठी हो? यही तो स्थान है मेरा, इतने वर्षों से मेरी पूजा करती आ रही है और मुझे पहचान भी नहीं पाई। देवी हूं मैं, मूर्ख औरत बैठ यहां और सुधार ले अपने कर्मों को, पूजा कर मेरी, बैठ यहां। क्या हुआ मैं इतनी घबरा गई क्यों? बहू मुझसे कह रही पूजा करो। माँ ये लड़की जीना मुश्किल कर देगी हमारा, और माँ ये कोई भरम नहीं, मैंने कहा था ये लड़की सही नहीं है। तो क्या करें, इसके पापा को फोन करें के द्वारा? माँ उनको नहीं बता सकती, फिर से आके धमकी देने लगेंगे वो। तो क्या किया जाए? बड़ी माँ सुनील अचानक। नमस्ते बड़ी माँ। पैर छू। कैसा कैसे? अरे साहिल बेटा और बहू दोनों अचानक यहाँ पे, बताया नहीं। वैसे बड़ी माँ शिकायत तो हमें आपसे करनी चाहिए, आपने अपने लाडले की कोर्ट मैरिज करवा दी और बहू को भी घर ले आए, हम क्या आपके लिए बाहर वाले हैं जो हमें इतनी लास्ट में बताया आपने? नहीं भैया
ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। सॉरी भाभी। अरे देवर जी, हम लोग सब समझते हैं, जैसे ही पता लगा ना फौरन आपके पास दौड़े चले आए। अरे हमारे देवरानी कहाँ है भाई, मिलाइए उसे। बताओ कहाँ है? क्या बात है खड़ी माँ, सब ठीक तो है ना? आप लोग परेशान लग रहे हैं मुझे, हमारे आने से खुशी नहीं हुई क्या आपको? अरे नहीं साहिल बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं। अरे बेटा जाना, बहू को लेके आना। हाँ हाँ मैं लेके आता हूँ, आप आइए ना। हाँ हाँ शांति शांति। अरे आप दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर तो आइए। नहीं वो भैया भाभी मिलने आए हैं तुमसे, माँ ने तुम्हें नीचे बुलाया। ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ अच्छी लग रही हैं आप, आ जाइए जल्दी आ जाइए। सुंदर तो मैं हूँ, चलिए। भैया भाभी ये शांति। नमस्ते बेबी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ऐसे बड़ी माँ मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। हाँ लाखों में एक बीवी लाए आप सुनील के लिए। हाँ अब तो मुझे भी लगता है कि लाखों में एक ही है। मतलब? माँ के कहने का मतलब है कि हम बहुत खुश नसीब। अरे क्यों नहीं होगे खुश नसीब, दिन रात माँ जी पूजा पाठ करती रहती है, देवी की भक्त है, आपके साथ भगवान कभी बुरा नहीं कर सकते। और शांति कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? बहुत अच्छा। अरे भाई तुम भूल क्यों जाती हो, वो शगुन दो ना? हाँ। किसके लिए है वो? शांति ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए मुंह दिखाई। इसकी जरूरत क्या थी दीदी? अरे भाई रखो, ये शगुन होता है, ये देना जरूरी होता है, समझी? थैंक यू। भैया भाभी आप लोग बैठिए, जब तक मैं आपका सामान कमरे में रख लेता हूँ। हाँ। अरे रुक सुनील, ये भी ने तुझसे कुछ बात करनी थी, मैं साथ चलता हूँ तेरे। आज मैं हेल्प कर देता हूँ तेरे। कैसी लग रही? बहुत अच्छी है दीदी, देखिए ना माँ जी कैसी है। अच्छा अच्छी है। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत अच्छी। हाँ देखो ना, है ना? अच्छी लग रही ना, देखिए ना माँ जी। अच्छी है। चार दिन शादी को नहीं हुए और देवर जी बाहर सोफे पर सो रहे हैं। सुनो फोन छोड़ो, मेरी बात सुनो। क्या हो? तुम्हारे भाई की शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और जनाब सोफे पे बाहर सो रहे हैं। मुझे तो पहले ही लगा था कि दाल में ना कुछ काला है बायकॉट। अरे छोड़ो ना तुम, हमें सबसे क्या मतलब, तुम बस उस काम पर ध्यान दो जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें बताया था इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा हमारा है, हमें कुछ भी करके ना बस बड़ी माँ से अपना हिस्सा निकलवाना है, तुम उस पर फोकस करो। सब याद है, इस घर में शोभा आ गई है तो देखना, इसे नई दुल्हन और देवर जी की दूरियों का फायदा उठाकर अपने हिस्से के सारे पैसे निकलवा लूंगी। हाँ क्या बात है शोभा जी, आज तो बड़े फॉर्म में लग रहे हो। हाँ आप भी आ जाइए ना फॉर्म में। अच्छा अच्छा बच्चो। हाँ Thank you.
माँ मैं परेशान हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे माँ ये भैया भाभी कब तक रहने वाले हैं? कुछ पता नहीं, बताया नहीं। माँ मुझे डर है कहीं ये उनके सामने भी ऐसी वैसी हरकतें ना करें। तो अच्छा है ना, उनको भी पता चले कि इसमें क्या दिक्कत है, फिर बुलाएंगे इसके पिताजी को। हम पर दहेज का इल्जाम लगा के गए, जब सब बोलेंगे तो उसको क्या, पुलिस को भी मानना पड़ेगा। इसे बहू है कहाँ? होगी अंदर, कोई नया खेल रचाई होगी ना। अचानक नजरअंदाज करके क्यों चली? शोभा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो शांति, वो ना कभी कभी इधर घूम रही थी, कभी किचन में, और अभी ना पूजा घर की तरफ गई है। बहुत अजीब लग रही थी। अरे यार चलो ना उसे देखते एक बार। हद करती हो यार शोभा, तुम भी छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना उससे। मैं बाहर से थका आया हूँ, कम से कम चाय पूछ लो मुझे। तुम्हें शांति की पड़ी हुई है, अब खड़ी क्या हो, जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए। हाँ। थका हुआ हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। सुनील तुम ऑफिस कब से फिर से ज्वाइन कर रहे हो? अरे नहीं भैया, काम बहुत पेंडिंग पड़ा है, कल से वापस जाना पड़ेगा। कल से ही? ये तो बहुत जल्दी है लेकिन। हाँ अभी तो शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है, और हनीमून भी तो नहीं गए हो ना तुम। वो क्या है ना, हमारी बहुरानी एकदम सीधी सादी है, शांत स्वभाव की है, उसने तो खुद कुछ बोला नहीं होगा, और ये भी जान के लेके नहीं गया हुआ। क्यों? नहीं भैया अभी ऑडिट चल हुआ ना, तो अभी छुट्टी मिल नहीं पा रही है, जैसी छुट्टी मिलेगी मैं लेकर जाऊंगा उसे। चलो ये भी ठीक ही है। अच्छा बड़ी माँ, मैंने आपसे पैसों की बात कही थी ना, तो आपने क्या सोचा है? एक्चुअली इन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप कब तक हम लोगों को पैसे दे देंगे? बेटा मैंने इस बारे में सोचा है, पर अभी इसकी शादी हुई है और अभी कुछ साल तक हम ये घर बेच नहीं सकते, और पैसे इतने हैं नहीं कि जो हम तुम्हें दे सकें। जब तक ये घर नहीं बिकता तब तक तो मुश्किल है। ठीक है बड़ी माँ, कोई बात नहीं, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, मैं बाहर से पैसे अरेंज करूंगा। क्या होगा दीदी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? अरे आओ ना, वो हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। वैसे तुम्हें ना बहुत ही प्यारा परिवार मिला है, और हमारे देवर जी तो बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन तुम्हें प्यारे लगते हैं ना? वो क्या है ना कि कल रात को हमने उन्हें बाहर सोफे पर सोते हुए देखा था, इसीलिए। जी सच कहूँ दी, वो ऐसा ही करते हैं, जब से शादी हुई है तब से वो हमसे दूर दूर भागते रहते हैं, और हमें कहते रहते कि तुम अजीब हो अजीब हो। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। शांति तुमने माँ जी से बात की? सोचा तो था दीदी कि माँ जी से बात करूँ, फिर सोचा कि नई नई शादी हुई है, थोड़ा समय देना चाहिए। अरे समय के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मतलब ये कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये परिवार ना पैसों का भूखा है। अब देखो ना, हमारे पैसे पे कुंडली मार के बैठे, तुम्हारे साथ भी कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? वैसे तुम कितना दहेज लाई? ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस कुछ गहने हैं। बस इसीलिए वो तुमसे दूर दूर भागता है। अब देखना कल को ना तुम्हारे ऊपर इल्जाम भी लगा है। आज तुम्हें अजीब कह रहा है, कल को पागल कह के किसी पैसे वाली लड़की के साथ शादी कर लेगा। ऐसे कैसे कर सकते हो लोग? मैं तो कहती हूँ यहाँ से दूर जाकर अपने पति के साथ जिंदगी बिताओ। इसकी माँ ना बहुत भड़काती है ऐसे। हाँ
बस मेरे दिखाए गए रास्ते पर चलो तुम शांति। एक बार तुम इस घर से बाहर निकली ना, तो इसे बिकने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या बात है शोभा जी, आज तो एकदम मोरनी की तरह नाच रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। आज आपकी शोभा ने ऐसा पासा फेंका है ना कि वो मोरनी नहीं महारानी बनने वाली है। हाँ। अच्छा जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा महारानी बनने के बाद मुझे भूल जाओ? ऐसा कैसे हो सकता है, कोई महारानी अपने हीरे को कैसे भूल सकती है। अच्छा, इतना प्यार करती हो? अरे ये क्या, आज आप फिर से बाहर सोने जा रहे हैं? आप रोज रोज बाहर क्यों सोने जाते हैं? तुमको नहीं पता कि मैं बाहर क्यों सोता हूँ? नहीं क्यों, बताया नहीं आपने? सच में तुम्हें नहीं पता? अरे बाबा नहीं पता, आ जा तुम सोते। क्या हुआ? वो कुछ करेंगे तो मतलब आपको कुछ हो जाता है। रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो जाइए, इतना डरने की जरूरत नहीं है। आइए आइए ना। लेटिए। बड़ी माँ। हाँ बेटा। क्या बात है, आजकल आप पूजा करते हुए दिखाई नहीं दे रही। लगता है आपने सारी जिम्मेदारी ना अपनी नई बहू पे डाल दी है। मैंने देखा था उसे पूजा घर में जाते हुए। हाँ बेटा, वो ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता मुझसे। वैसे तुमने कब देखा उसे? कल सुबह ही देखा था। अच्छा बड़ी माँ, ना छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। जब से हम आए हैं ना, आपकी बहू को एक भी बार किचन में जाते भी नहीं देखा। या तो वो पूजा घर में पड़ी रहती है या फिर अपने कमरे में। काम करवाइए उससे। बेटा अभी नई नई आई है तो सोचा थोड़ा समय दे दूं उसे। ए बड़ी माँ, ये सब ना इन बहुओं के बहाने होते हैं। आदत पड़ जाएगी ना तो सारा काम आपसे करवाएगी। हाँ आप कोई नौकरानी बना के रखेगी तो कहती हूँ आज से ही सारी जिम्मेदारी डाल दीजिए। हाँ कैसी जिम्मेदारी? अरे बड़ी माँ, अब उसको बोलिए तुम्हारा पति है, तुम्हारा घर है, तुम ही संभालो। मुझे देखिए, मैं भी तो सब कुछ करती हूँ ना। अब भले सास ससुर अलग रहते हैं, मेरा अलग घर है, लेकिन उसके बाद भी पति को संभालती हूँ, सारा काम करती हूँ। तो आप उसको बोलिए भाई अपना काम खुद ही करो। आप तब तक जिम्मेदारी डालेंगी नहीं तो ऐसे बात नहीं आएगी। हाँ ठीक है बेटा। माँ। अरे सुनील बेटा, तुम ऑफिस नहीं गए आज?
माँ आपसे एक बात करनी थी। हाँ आओ ना। वो अकेले में बात करनी थी। अरे देवर जी आप आइए ना, मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप करिए बात अकेले में। सॉरी भाभी थोड़ा। कोई बात नहीं। माँ बहुत हो गया, आप शांति के पापा को बुलाइए और इसे यहाँ से लेकर जाने के लिए कहिए। मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता माँ, और उसे कुछ याद भी नहीं रहता है माँ। माँ मुझे बहुत डर लगता है इससे पहले बात और खराब हो जाए आप इसे यहाँ से भेजो। ठीक है मैं शांति के पापा को बुलाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। ठीक है माँ मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप बात कीजिए भेजिए आप इसे। हाँ ये सब झूठ है, मेरी बेटी में कोई कमियां नहीं है, ये आप लोगों ने बनाई हुई सब मनगढ़ंत कहानियां है और दहेज झटने के लिए। बस भाई साहब बहुत हुआ, पहले तो अपनी पागल बेटी हमारे पल्ले बांधी और फिर हम ही को धमका रहे हैं और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको जो करना है करिए, पर अपने साथ अपनी पागल बेटी को लेके जाइए। हमें पता था ये लोग हमें ऐसे ही बदनाम करेंगे पापा, हमें पता था ये लोग ऐसा ही करेंगे, ये लोग दहेज के लिए हमें बहुत सताते हैं, बहुत मारते हैं और हमसे पीछा छुड़ाने के लिए इनकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं ताकि बहुत सारा दहेज मिल सके, है ना? और जब हमने यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया तो ये सब लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं हमें पागल साबित करने के लिए। बस बहुत हो गया, आए दिन कोई ना कोई ड्रामा, आए दिन कोई ना कोई ड्रामा, अरे तंग आ चुके हम तुमसे, हमने कब मारा तुमको, अरे उल्टा तुम्हें छूने में डर लगता है, हमें अजीब अजीब से हरकतें करके डराती हो हमें, अरे अपने बेटी से पूछे ना। भाभी आप बिल्कुल सही कह रही थी, ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम पागल हैं। बताइए भैया भाभी जब से आप दोनों आए कोई भी ऐसी हरकत देखी हमारे अंदर पागलों वाली? नहीं बल्कि तुम तो शांत रहती हो। सुना पापा आपने, ये सब इन लोगों की चाल है, इन लोग निकालना चाहते हैं हमें इस घर से। और हाँ आप लोग हमें इस घर से क्या निकालेंगे, मैं अब आप लोगों के ऊपर केस करूंगी और आप दोनों को जेल भेजूंगी। पर हमने वैसे कुछ नहीं किया है। वो तो कोर्ट बताएगा माँ जी। पापा आप घर जाइए और वकील को फोन कीजिए और मैं इसी घर में रहूंगी, इन दोनों को जेल भेजकर ही दम लूंगी। ठीक है बेटा। जब से ये लड़की आई है कुछ ना कुछ हो ही रहा है घर में, क्या करें। मैंने तो चिंगारी छोड़ी थी, यहाँ तो आग ही लग गई। साहिल आज तुम्हारा अंत है। साहिल तुम डर गए ना? ऑब्वियसली यार कोई भी डर जाएगा, ऐसे त्रिशूल लेके मार दूंगी, अंत कर दूंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें आते हुए शोभा ने देखा तो नहीं ना? नहीं तुम्हारी बीवी तो पार्टी में गई, उसको आने में 2-3 घंटे तो लगे। फिर ठीक है, गलती से वो देख लेती ना तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा शांति, आज तुमने अपने नाम पर जो खेल खेला है ना, वाह कसम से मजा आ गया। एक मिनट, मैंने कोई खेल नहीं खेला, मैंने सब वही किया जो तुमने बोला। तुमने बोला उस पागल से शादी कर लो, मैंने कर ली। तुमने बोला सबको देवी बना के डरा दो, मैंने वो भी कर दिया। लेकिन ना कितना डर गए थे ना सब लोग। ओह गॉड, वैसे एक बात बताओ तुम इतना लेट क्यों आए? क्या बताऊं तुम्हें,
अरे मेरी बीवी नहीं है शोभा, अपने आप को ना बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। उसे यहाँ लाने के लिए ना मुझे पूरा एक दिन लगे उसे मनाने में कि भाई मुझे बहुत जरूरी काम है, समझाना पड़ गया उसे कि क्यों जाना है यहाँ। वैसे तुमने आज जो उनके साथ किया है ना, क्या शौक दिया है तुमने शांति। अब तो उन्हें तुमसे केस लड़ने के लिए ना और तुम्हें एलुमनी देने के लिए ये घर बेचना ही पड़ेगा, देखना तो। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे। और नहीं तो क्या, अरे जबरदस्ती है मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए ये लोग। ऐसे में ना एक खराब जो झूठा दहेज उत्पीड़न का केस करे, उन्हें सड़क पर ले आए और जिसके चलते उन्हें ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए, ऐसा ही कुछ प्लान था मेरा। और मैं जानता था कि तुम्हारे अलावा इस प्लान को ना कोई पूरा नहीं कर सकता था। अच्छा वो सब छोड़ो, अब इस खराब बहू को अच्छा फल कब देने वाले? अच्छा बच्चों, अब तुम्हें फल भी चाहिए? हाँ तो मेहनत की है। अभी बता दो तुम फल दे दो फिर मैं इधर आ। शांति, अब मेरी बात को ना तुम अच्छे से सुनना, कल ना तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है। क्यों? अरे कल केस की प्रोसीडिंग नहीं करनी क्या? हाँ मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन ना तुम कल ऐसे बिहेव करना कि पुलिस को तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा हो जाए, ठीक है? उसका टेंशन तुम मत लो, मैं तो ऐसा ही करने वाली हूँ कि वो लोग मेरी बातों को ना सच मान ही लेंगे। पता है मुझे। जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अरे शांति को मैंने यहाँ खुद बुलाया है, देखो शांति भी हमारे प्लान का हिस्सा है, तो उसके लिए इसके साथ लिपटा चुपटी करने की क्या जरूरत थी? अरे क्योंकि क्योंकि मैं और साहिल एक दूसरे से प्यार करते हैं। साहिल? यार साहिल, अब जब इसको आधा सच पता चल ही चुका है तो पूरा क्यों नहीं बता देते? तुम मेरी बात सुनो, ये तुम्हें तलाक देके मुझसे शादी करने जा रहा है, समझी तुम? साहिल क्या कह रही है ये? अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था? हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारी मनमानी को मैं चलने दूंगी? सबको जाके तुम दोनों की असलियत बता दूंगी, समझे तुम? रुक, शोभा रुको, छोड़ो मुझे साहिल। मेरी असलियत बताओगी? क्या सच बताएगी? सब कुछ छोड़ो मुझे, क्या सच बताएगी? छोड़ो साहिल, मेरे प्लान। साहिल, ये क्या किया तुमने? क्यों किया? शोभा बताने जा रही थी। शोभा, शोभा ये तो मर गए, ये क्या किया तुमने? क्या करे? इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, कुछ बताओ मुझे क्या करूं मैं? मैं सोच रहे तो दो, रुको एक मिनट मैं आती हूं। ये लो इसमें बांधो और इसकी लाश को बाहर लेके जाओ। पकड़ो डालो इसके ऊपर। आप छोड़िए ना, मैं लेके जाता हूँ, रहने दीजिए आप। अच्छा बेटा सुन, शोभा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी, वो
किसी वकील के बारे में बात कर रही थी, मुझे उसका नंबर चाहिए था। तुम तो जानते हो घर में क्या चल रहा है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बड़ी माँ, कल रात को ना शोभा की माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई, तो वो मायके गई है लखनऊ अपने घर। मैं ही उसे रात को बस स्टैंड पर छोड़कर आया। आप सब लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा आपको परेशान ना करूं। मैं वो शोभा से बात करूंगा, उससे वो वकील का नंबर लेकर आपको दे दूंगा। ठीक है, जा रही हूँ मैं, और आप वापस पुलिस के साथ ही आऊंगी। देख बेटा, तू ये अच्छी तरह जानती है कि तू झूठ बोल रही है, पर ऐसा तू क्यों कर रही है? आपकी वजह से आप लोगों ने मुझे पागल ठहरा रखा है, पर तेरी हरकतें ही वैसी हैं। बस माँ जी बस, अब मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ, समझी आप? और आपकी ना, आपकी तो अकल ठिकाने लगा कर रहूंगी मैं। अरे सुन, क्या कह रही है, क्या कह रही है? अरे बहू सुन, तू जाना तो जा, लेकिन वापस मत आना यहाँ पे, समझी? तेरी धमकी से नहीं रहती, तू पुलिस कंप्लेंट करनी ना जाकर, समझी? चल जा निकल यहाँ से। ये क्या चीज़ है? क्या हुआ? अरे देखना बेटा, ये क्या चीज है? ये तो कुछ पेंट वेंट जैसा लग रहा है। नहीं, ये पेंट जैसा तो नहीं दिख रहा। माँ ये पेंट ही तो है, देखिए ना। नहीं ये पेंट नहीं है, ये तो खून जैसा दिख रहा है, ये खून ही है। लगता है किसी को घसीटा गया ऐसे। पुलिस को फोन कर। फोन मम्मा, मेरा फोन तो रूम में रह गया। रुक, मेरे पास फोन है, मैं करती हूँ। ए बुढ़िया, हाँ ज्यादा अकल चलती है तेरी, ज्यादा अकल चलती है तेरी। बोला ना तुझे एक बार, ये खून नहीं है। हाँ ये खून है, अब इस खून को छुपाने के लिए मुझे तेरा खून करना पड़ेगा, देख तू। अच्छा ही है, मार दो इसे, इसके मरते ही ना घर का बंटवारा हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा और मुझे पुलिस केस भी नहीं करना पड़ेगा। सही कहा तुमने, आज इस बुढ़िया की हेगड़ी निकाली देता हूँ मैं। मारो जल्दी इसको और डालो गाड़ी में, इसको भी वहीं दफना देते जहाँ तुम्हारी बीवी को दफनाया। ये क्या? दिखाई नहीं देता, नो एंट्री है, नो एंट्री में गाड़ी चलता है, लाइसेंस दिखा, दिखा तेरे ही है ना, गाड़ी के अंदर क्या क्या है? बाकी पेपर्स निकाल, बाकी पेपर्स निकाल। रुक, और क्या क्या? क्या हुआ? वो लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। पकड़ दोनों को। क्या बात है बताइए। सर हमारे पास बहुत सारा खून पड़ा है, और सर मैंने पूछा तो वो लोग मुझे मारना लगे। चलिए बताइए, चलिए चलिए, आइए सर, आइए सर, आइए सर। किसका खून है ये? सर सर बोलता है कि एक और लगाओ, बोल। ये बता दे, बता दे मैम। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया इसने किया, इसने अपनी बीवी शोभा को कल रात को मार डाला, फिर उसको चद्दर में बांध के गाड़ी में डाल के कहीं फेंक कर आया। मैं तो बस इसके कहने पे चल रही थी,
मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। सुनील मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन करो। कमीने, जायदाद के हिस्से के लिए तूने इतना बड़ा खेल रचा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी लड़की से शादी करा के अपनी पत्नी को मारा तूने, मेरी माँ को मारना चाहा तूने। अब तो ना मुझे पूरी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। जाइए सर, इसको जेल में डाल दीजिए। निकलो दोनों को। चले सर, मेरी बात तो चले सर, इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है सर। सर सर मेरी बात सुनिए सर। ठीक हो मना? ठीक हूँ बेटा।